हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रिय पंचशील भागवत भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रार्थनाओं का जो पाठ कर रहे हैं, उसमें चौथे स्कंद में भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में अष्टभुजाओं के साथ दक्ष के यज्ञ में कणखल में प्रकट हुए हैं और यज्ञ में उपस्थित सारे देवता ऋषि गण भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम 34वें श्लोक में जो ऋषि गण वहां थे, संत महात्मा थे, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनका शुभारंभ करते हैं। ऋष्याउचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मनाचरसि कर्म नाजयसे विभूतया यतोपसे दुरीश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवर्तितिं भवान्। ऋषि कह रहे हैं, अनन्वितम ते भगवान विचेष्टितम। अनन्वितम का मतलब है कि सामान्य लोग जो काम नहीं करें, ऐसे आप काम करते हैं और आपके कार्य सारे आश्चर्यजनक और अद्भुत हैं, अजब में डालने वाले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अनन्वितम, ये सामान्य जिसके पास वित्त है, शक्ति है, उससे ऐसा काम नहीं कर सकता है। आपका कार्य अद्भुत है, सबके लिए संभव नहीं है। ये भगवान के कार्य की महिमा है। ते भगवान, आपके भगवान क्या विचेष्टितम, जो आपकी विशेष चेष्टाएं हैं, इसका मतलब जो आपकी लीला कार्य आदि हैं, वो अद्भुत हैं, सामान्य लोगों के करने से परे हैं। यदात्मना चरसी ही कर्म ना जयसी, यद आत्मना, आप अपने स्वयं अपने शक्तियों के द्वारा चरसी सारे कार्य करते हैं, विचरण करते हैं, कार्य करते हैं, निश्चित रूप से कर्म न जायसी, वो कर्म आपको बंधन में नहीं डालता, आप निर्लेप रहते हैं। कैसे आप कहते हैं हम निर्लेप रहते हैं काम करने से? हमको, हम सब लोग काम करते हैं तो उनमें से कुछ लाभ होता है, तो उससे मान होता है, सम्मान होता है, कुछ फल मिलता है। कहते विभूत यतोपसे द्योर ईश्वरी। विभूत का मतलब है जिसको बहुत विभूतियां, ऐश्वर्य चाहिए। यतोपसे वह पूजा करते हैं ईश्वरी, लक्ष्मी देवी की। न मन्यते स्वयं अनुवर्तितम भवान, और वो लक्ष्मी आपके चरणों में सदा सेवा करती रहती है, आपकी अनुवर्तन, आपके पीछे चलने वाली है, आपकी आज्ञाकारिणी है, आप उसमें आसक्त नहीं है। ये बड़े बड़े देवता जो बैठे हैं ना, यहां ब्रह्मा आदि, उनकी ओर इशारा करके ऋषि कह रहे हैं, ये जो यज्ञ आदि करते हैं, ये तो लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं कि वैभव मिले, विभूति मिले, धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, लेकिन आपको वही लक्ष्मी आपकी सेवा में है, परंतु उससे आप इतने आसक्त नहीं होते हो, उसमें बंधे हुए नहीं हो। तो ये जो भाव है, ऋषि कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे भगवान, आपके कार्य अति अद्भुत हैं और ये सारे कार्य आप अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा करते हैं। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं, भौतिक जगत में भौतिक शक्ति से करते हैं, परंतु आप उन सारे कार्यों में आसक्त तो हैं ही नहीं। ये भगवान का एक विलक्षण, वैसे भी छह लक्षणों में भगवान का मतलब वो हो जिसमें सद ऐश्वर्य हो, छह ऐश्वर्य हो, उनमें एक है त्याग। ये दुनिया बनाते हैं उसकी ओर देखते नहीं है। इतनी सोने की द्वारका बनाई थी, सब समुद्र को वापस दे दी, किसी में आसक्ति नहीं। आप तो
साक्षात लक्ष्मी में भी आसक्त नहीं हो, जिसको प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े ये ब्रह्मा आदि देवता उसका सानिध्य प्राप्त करने चाहते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु आप आपकी सेवा में होती है, आप उसमें आसक्त नहीं है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अनन्वितम का अर्थ है सामान्य लोगों के लिए असंभव करने वाले कार्य, जो लोग न कर सके ऐसे कार्य, और जो कार्य बहुत अद्भुत है, आश्चर्य में डालने वाले हैं, आदमी देखता रह जाता है दांत में उंगली डाल के, ये कैसे हो गया, और ये आप स्वयं करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं है। तो ये कहने का क्या अर्थ है आपका ऋषियों? इसका भाव ये कि सारे संसार में लोग काम करते हैं, देवता से लेकर सामान्य व्यक्ति, कुछ फल में आसक्ति होती है, इसलिए कि इस काम का कुछ फल मिलेगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये जो उनका इशारा है ब्रह्मा जी की ओर है और दूसरे देवताओं की ओर है, ये सारे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, विभूति प्राप्त करने, उससे धन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु वो लक्ष्मी आपके चरणों में है, उसमें आप आसक्त नहीं है। श्री प्रभुपाद जी भगवत गीता से भगवान के कार्य करना और उनमें आसक्त न होने के लिए चौथे अध्याय का श्लोक 14 पढ़ रहे हैं। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ते न कर्म फलेस्परः, न मुझे काम करने की आवश्यकता है, न मुझे उससे कुछ फल चाहिए, और न ही कोई काम मुझे बंधन में डालता है, परंतु ये सब कार्य करता रहता हूं अनासक्त होके संसार को सिखाने के लिए। अगर मैं न करूं तो संसार मेरा अनुकरण करेगा और संसार में वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। तो ये चौथे अध्याय का भगवान का श्लोक शिला प्रभुपाद ने लिया। और फिर कहते हैं, भगवान आप तो आत्माराम है, अपने आप में परिपूर्ण है, आप तो किसी में आसक्त नहीं है, और उदाहरण दे रहे हैं कि लक्ष्मी देवी आपकी सेवा में निरंतर लगी रहती है, परंतु आप उसमें आसक्त नहीं है, छोड़ के कहीं चली जाए तो जाने दीजिए। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा पर्यंत लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उसके फेवर के लिए बहुत बड़ी यज्ञ आदि तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु भगवान आपके तो चारों ओर सैकड़ों लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां, सह लक्ष्मी सहस्र संभ्र सेव्यमानं गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। हमारा ऑडियो किसी कारण से शुरू नहीं हो पाया था, हरे कृष्ण, वो लाक में था, तो हम ये ऋषियों की प्रार्थना 34 नंबर श्लोक की पढ़ रहे हैं और चक्रवर्ती पाद के भाव का अब श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये है अंतर भगवान की उत्तम स्थिति में और सामान्य देवताओं की स्थिति में। ये बात यहां विशेष रूप से ऋषि कह रहे हैं, वो सामान्य जीव जैसे नहीं है जो अपने कर्मों, पुण्य कर्मों के फल के लिए, यज्ञ आदि के लिए आसक्त होते हैं। तो एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वही श्लोक प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे थे। सो ऋषि उचु, सब ऋषि साथ में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अनन्वितम ते भगवान विचेष्टितम यद आत्मना चरसी कर्म ना जयसी विभूत्यः यत उपते उपासेद्यो ईश्वरीम न मन्यते स्वयं अनुवर्तितम अनुवर्ततिम भवान। अनन्वितम
असंभव कार्य, अद्भुत कार्य। भगवान आपके विचित्रतम इतने अद्भुत हैं और वो आप स्वयं करते हैं, अपनी प्रकृति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा कराते हैं, परंतु उन किसी काम में आप आसक्त नहीं है, अनासक्त हैं, निर्लेप हैं। और उदाहरण ये है कि बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता भी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करके, पूजा करके, यज्ञ करते हैं और उनसे आशीर्वाद और विभूतियां चाहते हैं, धन चाहते हैं, परंतु वही लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा, सहस्र लक्ष्मी आपकी चरणों की सेवा करती है, परंतु आप उसके ओर आसक्त नहीं हो। ये आपकी विलक्षणता है, ये आपके का आपका आध्यात्मिक जो व्यक्तित्व है, जो अस्तित्व है, वो विलक्षण है इन सारे देवताओं आदि से जो इस यज्ञ में बैठे हुए हैं। ये ऋषियों का भाव है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे प्रार्थना को। ये प्रार्थना कर रहे हैं 34 हो गया, 35। ये सिद्ध प्रार्थना करते हैं। ओ सॉरी, 35 सिद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। ये सिद्ध एक लोक है और उस लोक में विशेष रूप से भगवान कपिल देव रहते हैं, और ये सिद्ध लोक में सब सिद्ध लोग हैं, जो सिद्ध रहते हैं, जिनके पास सब सिद्धियां होती हैं। वो सिद्ध क्या कह रहे हैं? सिद्धा ऊचो हो, सारे सिद्ध हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अयम त्वत कथा मृष्टा प्योष नदियां मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध त्रिशार्तो अवघाड़ो अवगाड़ो न सस्मार दावम निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नत्वम् न। सिद्धों के लिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भक्ति से भरपूर हैं, शुद्ध भक्त जैसे हैं। क्या कह रहे हैं? अयम हम सारे, तो कथा आपकी कथा, कृष्ण कथा, एक भगवान नारायण आपकी कथा। मृष्टा का अर्थ होता है पवित्र और मीठी, मधुर और पवित्र। पीयूष कहते हैं अमृत को, और नदी कहते हैं नदी। भगवान आपकी कथा अमृत की पवित्र मधुर नदी है, और हम सब इसमें अवगाड़ो, अवगाड़ो का मतलब पूर्ण रूप से इसके अंदर सुख ले रहे हैं, आनंद से निमग्न हैं। उदाहरण देते हैं, मनोवारण, मानो के मनोवारण का मतलब है, वैसे मन मन को कहते हैं, हमारा मन आपकी कथा में जो अमृत के समान मधुर और पवित्र एक सरिता है, एक नदी है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये गोपियां कहती हैं भगवान आपकी कथा कैसी है, अमृत है, तप्त तव कथा अमृतम, ये अमृत है। और ये कहते हैं पीयूष है, अमृत है। और देवता भी हरि कथा के लिए भारतवर्ष की महिमा गाते हुए कहते हैं, नयत्र वैकुंठ कथा शुद्धा अपगा, जहां वैकुंठ नाथ भगवान की कथा की अमृत की नदियां नहीं बहती हों। तो ये भारतवर्ष महान है क्योंकि भगवान के अमृत की नदियां यहां बहती हैं, और हमारा मन उस आपकी कथा की अमृतमयी मधुर पवित्र सरिता में डूबा हुआ है। उदाहरण दे रहे हैं, वारण क्लेश दावाग्नि दग्ध, वारण कहते हैं हाथी को, क्लेश उसको उसको बहुत पीड़ा हो रही है, किससे हो रही है, दावाग्नि, वो वन में लगी है आग, और हाथी उस आग से दग्ध हो रहा है, तप रहा है, जल रहा है, और तृष्णा और बहुत प्यासा है।
एक प्यासा है, एक वन की अग्नि में जल रहा है और आर्तो और बहुत दुखी है। आव गाड़ो, और जैसे ही वो नदी में प्रवेश करता है, गंगा में, उसको न सत समर, उसको याद भी नहीं रहता, स्मरण सुमर सत सुमर, उसको दुख याद ही नहीं है, वन में आग लगी थी याद ही नहीं है, प्यास थी भूल गया, दुख था समाप्त हो गया। दावम, दावम का मतलब दावा अग्नि का। संसार तो तुलना क्या दे रहे हैं, हाथी बन के आग से पीड़ित होकर प्यासा जलता हुआ नदी में प्रवेश करके अपने आप को दुखों से निवृत्त और प्यास से मुक्त सुखी बना लेता है और उससे निकलना ही नहीं चाहता, ना निष्क्रामति, वो नदी से फिर निकलना नहीं चाहता है, बाहर बन में आग लगी हुई है, वहां कहां जाएगा। ऐसे हमारा मन भी आपकी मधुर पवित्र अमृतमय कथा में ऐसा निमग्न है कि अब हमारे को इस संसार के दुख ताप संताप की कोई चिंता नहीं। ऐसे लगता है ब्रह्म संपन्नवत, न हम जैसे कोई ब्रह्म आनंद में डुबकी लगा ले, ऐसे हम आपकी कथा में डुबकी लगाते। तो ये सिद्धों का प्रार्थना बहुत अति प्रेम भक्तिमयी है। सिद्ध कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, एक जंगल की आग में तड़पते हुए प्यासे हाथी के समान जो नदी में दुख के कारण जाने से अपने आप को सुखी कर लेता है, ऐसे हमारा मन निरंतर आपकी अमृतमय दिव्य लीला कथा में निमग्न रहता है और वहां से कभी निकलना भी नहीं चाहता, उसी में डूबा रहता है। और उसका जो सुख है उसकी तुलना क्या करें, ब्रह्म आनंद के समान कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्म आनंद उसके समान कुछ भी नहीं। हरि कथा के अमृत के सामने ब्रह्मानंद एक बिंदु है और हरि कथा एक सागर है, इतना बड़ा अंतर है। परंतु फिर भी ये ऋषि इस समाज में कह रहे हैं ब्रह्मानंद के समान है। जैसे हम दामोदर अष्टक में पढ़ते हैं, इति द्रक स्वलीला भी आनंद कुंडे, ऐसी मधुर लीलाएं आपकी जैसे आपने दामोदर लीला की और ऐसी अद्भुत लीलाएं माखन चोरी की, इति द्रुक स्वलीला, ये आपकी अपनी लीलाएं हैं, इति द्रुक स्वलीला आनंद कुंडे, ये सबको आनंद के कुंड में सरोवर में निमग्न कर देती है, किसको, जो आपके भक्त है। चक्रवर्ती पाद तो सिद्धों को लिखते हैं प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी भक्त कह रहे हैं हमारा मन उस सताए हुए हाथी की तरह जो वन की आग से प्यासा नदी में जाता है और दुख का निवारण होता है, ऐसे आपकी मधुर पवित्र अमृतमयी लीला कथा हमारे को संसार की दावा अग्नि से बचा लेती है। संसार दावा नल, वो दावा अग्नि उसको कहते हैं, और हम इससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते, ऐसे लगता है जैसे ब्रह्म आनंद के सागर में। चक्रवर्ती पाद कहते हैं सिद्ध जो हैं उनकी भक्ति भी सिद्ध है, सिद्ध हो गई, परफेक्टेड है, उसमें प्रेम है,
उनका मन भगवान के अमृतमय मधुर पवित्र लीला कथा में निमग्न है और संसार के दुखों की उनको स्मृति भी नहीं है, याद भी नहीं। दावम संसार, और वो मन वहां उन कथाओं से बाहर भी नहीं निकलना चाहता है क्योंकि अब तो कथाओं में तलीन हो गया है। अब ये सिद्ध कहते हैं ऐसे हमारा मन भी करता है कि आपकी ये सारे कार्य छोड़ के यज्ञ आदि का जो ये सब कर रहे हैं पवित्र है कि पुण्य है, कोई कह रहा है यज्ञ अपवित्र हो गया, कोई कह रहा है पवित्र, इनको छोड़ो बस हम आपकी कथा का आनंद लेते हैं। तो ये किसकी ओर कह रहे हैं? कहते हैं जो इससे पहले ऋषियों ने जो प्रार्थना की थी ना, अभी जो हम पढ़ के आए आपके अद्भुत कार्य हैं भगवान, आप किसी में आसक्त नहीं है, लेकिन हम तो आसक्त हैं, उनका मतलब था हम तो ये यज्ञ करेंगे। ये सिद्ध कहते हैं क्या जरूरत है इन सब करने की, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, बस हरी कथा सुनो। और यही भागवत के पहले स्कंद में यज्ञ करने वाले 88,000 ऋषि भागवत के सुनने में इतने निमग्न हो गए कि यज्ञ गौण हो गया। असल में यज्ञ उनका मुख्य था, कथा सुनना उसके अंदर एक अंग था, परंतु भागवत कथा इतनी आकर्षित थी कि कथा मुख्य हो गई और यज्ञ छोटा सा अंग हो गया। ये कथा की महिमा है। और ब्रह्म आनंद में डूबा हुआ सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म आनंद में पहले से परिपूर्ण था, परंतु इस कृष्ण की कथा ने, इस मुरली मनोहर ने मेरे मन को अपनी, मेरे चित्त को चुरा लिया है इनकी कथा ने, और मैं ब्रह्म आनंद को पीछे छोड़कर इस कथाओं के रस आस्वादन के लिए 18,000 भागवत के श्लोक मेरे पिता व्यासदेव जी के से मैंने पढ़े, उसका अध्ययन किया। एक महात्मा बनारस में रहते थे, केवल वेद पढ़ते थे, भागवत आदि को कहते नहीं हमारा काम नहीं है। कोई एक भक्त था, उसके घर में भागवत रखी हुई थी, घर में कोई जन्म पुत्र आदि का हुआ तो सूतक लगा, बोला मैं रोज पाठ करता हूं महाराज, कर नहीं पाऊंगा, आप कृपा करके कुछ दिन पढ़िएगा। उसके कहने से उनने भागवत पढ़ी, और पढ़ी तो वही 5-7 दिन जितने दिन सूतक था, लेकिन उससे उनको इतना उसमें रस आने लगा, वो सारे पुस्तक थे वो सब उधर देकर यहां से वृंदावन में आए। और मेरे को अब याद नहीं है, कृष्णदास बाबा जी ऐसे कुछ नाम थे, किसी गोरिया के संबंध में रहे, और फिर पूरे ब्रज के अंदर घूम घूम के कहते थे कौन कहता है कि भगवान का रूप नहीं है, रंग नहीं है, क्योंकि वो सारे वेद पढ़ा हुआ था। तो ऐसे बहुत से महात्मा हैं जो जिनको भगवान की लीला ने आकर्षित कर दिया। बहुत बड़ा अद्वैत पथ का शिखर का महात्मा मधुसूदन सरस्वती बनारस में ब्रज में आया, वहां काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की कि हमारे को सिद्धि प्राप्त हो। काशी ने कहा, विश्वनाथ ने वृंदावन में भेजा, वृंदावन में वापस गया नहीं तो दोबारा आया तो भगवान का क्या झलक एक दिख ली। वो कहता है मैं अद्वैत की सिद्धि पे था, पूजन्य सबका सिरमोर था, परंतु इस गोपियों के लंपट ने, इस ब्रजेश्वर ब्रजनंदन श्री कृष्ण ने मेरे चित्त को चुरा लिया, मेरे को वृंदावन की गलियों में खाक छानने के लिए बाध्य कर दिया है, और अपने बड़े बड़े विद्वान वेद के अध्ययन करने वाले शिष्यों को कहता है बंसी विभूषित करानुभात, जिसके हाथ में बंसी है, जिसका आनन बहुत सुंदर है, उसके अतिरिक्त और कोई तत्व में जानता ही नहीं, वही एक तत्व है बस। तो ये भगवान की कथाओं का अनुभूति जिनको होती है वो ब्रह्म आनंद को भी नमस्कार कर देते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं सिद्धों के इन विचारों से
ये जो विचार है ये सिद्ध प्रभुपाद जी कहते हैं, सिद्ध लोक के रहने वाले हैं जिनके पास 8 सिद्धियां तो पहले से ही है जो योगियों को चाहिए। इसका मतलब है वो योगी जो योगियों को चाहिए वो तो इनके पास पहले से है, परंतु इनके इन वाक्यों से ऐसे लग रहा है, इन वचनों से ऐसे लग रहा है कि वो शुद्ध भक्त है। तो ये योगी योग करके सिद्धियां क्यों लेना चाहते हैं जब सिद्ध लोक के भगवान की भक्ति में इतना रस ले रहे हैं, वो भगवान के मधुर अमृतमय नदी की कथा कीर्तन के श्रवण में डूबे रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं और ये क्या कर सुनते हैं, इसको कहते हैं कृष्ण कथा। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसे प्रह्लाद महाराज भी कहते हैं जो आपके अमृतमय कथा के सागर में सदा ही समर्पित है श्रवण में, उसको भौतिक जीवन का कोई भय नहीं है, वो मुक्त है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सिद्ध कहते हैं सामान्य लोगों का मन तो बहुत विचलित है, दुखदाई है, सदा ही परेशान करता है, और उदाहरण देते हैं उनके मन का, संसारी लोगों का मन हाथी जो वन की आग में तड़प रहा है प्यास से और दुख से, ऐसा सबका मन है। परंतु अगर वो हाथी नदी में प्रवेश कर जाए तो सब दुख समाप्त। इस प्रकार से भौतिक संसार की आग में जलने वाले प्राणी, अगर पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा का शरण ले लें, उनकी लीला कथा का रस आस्वादन करें, तो निश्चित रूप से सारे संसार के संकटों को सदा के लिए सुमरण से ही बाहर निकाल के फेंक देंगे, उसकी स्मृति ही नहीं रहेगी। प्रभुपाद जी, सिद्धों को कोई फलदायक कर्म की इच्छा नहीं है, यज्ञ आदि की, जैसे कोई यज्ञ करना है ऐसे उनको कोई इच्छा नहीं, उसको कोई फल नहीं चाहिए, वो तो केवल भगवान की कथा कीर्तन में डूबे रहना चाहते। और वो ही उनको पूर्ण संतुष्ट और सुखी कर देता है, उनको कोई शुभ कर्म है कि अशुभ कर्म है इसकी कोई चिंता नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो सदा कृष्ण भावना भावित हैं उनको कोई पुण्य पाप कर्म करने की चिंता नहीं है। क्या पुण्य कर्म करना है, पुण्य पुण्य है ही कृष्ण कथा, लिखा है भागवत में श्रृणवताम स्वकथा, सुणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यही तो पुण्य है, तो और किसी पुण्य की क्या जरूरत है, और पाप की क्या जरूरत है, कोई पुण्य पाप कोई जरूरत नहीं, ये यज्ञ पाठ कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेममयी भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना परिपूर्ण है अपने आप में, इसके अंदर सारे वेदों के विधि विधानों का अपने आप में पूर्णाहुति हो जाती है, कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं। अब दक्ष की पत्नी स्वयं भूमनु की पुत्री प्रसूति कह रही है, देवहूति की बहन है, और ऐसे तो इस रिश्ते से भगवान की तो मौसी लगती है, क्योंकि कपिल देव उनका बेटा है और वही कपिल देव है, वही विष्णु है। तो यजमान्य वाच, अकेली है बोल रही है, वाच एक अकेली बोल रही है, यजमान्य मतलब यजमान की पत्नी, यजमान है यज्ञ का दक्ष, उसकी पत्नी बोल रही है। तो
स्वागतम ते प्रसीदे शतुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रीयकांताय त्राहिनः त्वामृते अधीश नांगरै नांगैर मखशोभते शिरसा हीना कबंधु यथा पुरुषः। प्रसूति स्वयं वुमनों की पुत्री है, कह रही है स्वागतम, आपका स्वागत है, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। प्रसीद इस हे स्वामी, प्रसन्न हो जाइए, ईश्वर प्रसन्न हो जाइए। तो भ्यम नमः, आपको नमस्कार करते हे श्रीनिवास, हे लक्ष्मी के निवास स्थान, श्री है कांताय हे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के साथ पधारे हो, त्राई ना हमारी रक्षा कीजिए, त्राई माम पर हमारी रक्षा कीजिए। अब उदाहरण देते, त्वाम रिते, आप अगर नहीं थे, बिना आपके, अधीश न अंगई मख शोभते, इतना यज्ञ के अंदर कितनी भी सजावट कर लो, कितने भी देवता सब आ जाएं, परंतु इसकी कोई शोभा नहीं है आपके बिना। उदाहरण दे रही है, शिरहीना जिसका सर ही नहीं है, केवल धड़ है, बद्ध का बंध, केवल धड़ है उसका, तो वो व्यक्ति कैसा लगेगा बिना सर के, बिना आपके यज्ञ, बिना सर के, केवल धड़ के समान पुरुष है। आपका स्वागत है लक्ष्मीपति, हमारी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। ये भी अद्भुत प्रार्थना प्रसूति देवी की है। प्रसूति प्रभुपाद जी लिखते हैं, दक्ष की पत्नी कह रही है हम बड़े भाग्यशाली हैं, आप यज्ञ मंडप में पधारे हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए इस समय, और यह यज्ञ भूमि सुंदर नहीं लगती है बिना आपके, जैसे बिना सर के शरीर का हिस्सा बाबा की धड़ अच्छा नहीं लगता है। चक्रवर्ती पात्र तो लिखते हैं, प्रसूति दक्ष की पत्नी कह रही है, हे ईश्वर, शब्द है ईश्वर, हे ईश्वर स्वागत, प्रसन्न हो जाओ हम हमारे ऊपर, हम आपको प्रणाम करती हैं। ओ लक्ष्मीपति, आप अपनी प्रिय कांता कहते हैं पत्नी को, प्रिय को, आप अपनी कांता के साथ पधारे हैं, आप हमारे को मुक्त कीजिए, हम आप हमारी रक्षा कीजिए। आप उपस्थित नहीं हैं तो यज्ञ में कोई शोभा नहीं, भले इसमें कितने सारे सामग्री ऊंची हो, देवता सारे विराजमान हो, परंतु आपके बिना ये अधूरा है, ये तो बिना सर के शरीर है। चक्रवर्ती व्यास कहते हैं, प्रसूति कहती है, मुझ स्वयं भू मनु की पुत्री के ऊपर आप बड़े दयालु हो, कैसे, बोला जैसे आप देवती के ऊपर दयालु थे, उसके लिए तो पुत्र बन के आ गए थे, और मैं तो उसकी बहन हूं, तो आप मेरे ऊपर भी कृपा करने के लिए पधार गए, और आप अपने साथ लक्ष्मी को लेकर आए हमारे इस निवास स्थान पे, हमारे इस यज्ञ भूमि में, अब हमारा उद्धार कीजिए, पाही माम त्राही माम, अब हमारा उद्धार कीजिए, इस सारे यज्ञ को हमारे शंकर के प्रति अपराध के कारण जो विध्वंस हो गया था, अब हमारा इससे उद्धार कीजिए, बिना आपके यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, आप ही यज्ञेश्वर हैं। कहते ये किसकी ओर इशारा करके बोल रही है प्रसूति,
चक्रवर्ती पाद कहते हैं देवताओं और ब्रह्मा की ओर कहते ये भले बैठे हो, बिना आपके यज्ञ अधूरा है। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़े हाई, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज इतना ही करेंगे, टाइम भी हो रहा है लेकिन कहीं जाना भी है शायद। प्रभुपाद जी लिखते हैं यज्ञ भगवान विष्णु का दूसरा नाम है यज्ञेश्वर, और भगवत गीता में ये श्लोक है यज्ञार्थ कर्माणु अन्यथा कर्म बंधन, यज्ञ के लिए कर्म करो नहीं तो कर्म बंधन में डाल देगा, तो वो यज्ञ है भगवान विष्णु, तो कर्म किसके लिए करने चाहिए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद जी श्लोक का भाव देकर फिर कहते हैं यहां दक्ष की पत्नी इस बात की पुष्टि कर रही है, इस बात को पक्का निश्चय आत्मिक बता के कह रही है, आप के बिना, आपकी अनुपस्थिति में, आपकी गैर हाजिरी में, आपके बिना कितना भी सजाया हुआ यज्ञ मंडप हो, सारे देवता ऋषि गण आए, परंतु ये ऐसा है बिना सर के धड़ के समान, इसका कोई इसकी शोभा नहीं। अब प्रभुपाद जी इस उदाहरण को लेकर हमारे समाजी ढांचे के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। हमारा समाज, बोला ये समाज का जो ढांचा है पूरा, इसके ऊपर ये रूपक बैठता है, ये उदाहरण बैठता है, ये आधुनिक आज का प्रगतिशील मानव समाज अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े उन्नत हैं, हम बहुत उन्नत हैं और उसके कारण बहुत अभिमान है, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, इतनी प्रगति कर ली, परंतु ये सब वैरत है, यूजलेस है, ये बिना सर के धड़ के बराबर है। और प्रभुपाद जी बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं बिना कृष्ण भावना के, बिना विष्णु के समझे के, बिना विष्णु को समझने के, जो परम पुरुष भगवान है, सारी प्रगति, समाज की सारी प्रगति कितनी ही भले उत्तम कोटि की सूक्ष्म स्तर की हो, कोई उसका महत्व नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं है। और फिर एक श्लोक हरि भक्ति सुधोदय, जिसमें नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की बातचीत है, उसे एक श्लोक बहुत अच्छा बता रहे हैं। भगवत भक्ति हीनस्य, भगवत भगवान की भक्ति के बिना, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति ऊंच जाति का कोई हो, ब्राह्मण हो, कोई बहुत ऊंच जाति का राजकुल में जन्म लिया हो, राजा हो, शास्त्रम बड़े शास्त्र पढ़े हैं, चतुर्वेदी हो, जप बहुत बड़ा जप किया है, पुरुषचरण किया है, करोड़ों का जप किया है, तप बहुत बड़ी तपस्या की है, अप्राणस्यैव देहस्य, वो सारा का सारा ऐसे है कि बिना सांस के शरीर, प्राण निकल गया, मुर्दे के समान है। मंडनम लोक रंजनम, मंडनम लोक रंजनम, व्यक्ति मर जाता है, प्रभुपाद उदाहरण देंगे, तो उसको सजा के बहुत, उसको आभूषण पहन के मुर्दे को लेके बाजार में घुमाए तो उसका क्या महत्व है? तो भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस तपः, अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। बस ये तो केवल दिखावा है, उसमें जान ही नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे दुनिया में एक ही चीज का अभाव है। कोई कहते हैं पानी का अभाव है, कोई कहते हैं अनाज का अभाव है, कोई कहते हैं पेट्रोल का अभाव है,
एक चीज का अभाव है और कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान अनंत है और उसकी तरफ से अनंत सप्लाई आएगी। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने ऑस्ट्रेलिया में पूछा था कि स्वामी जी पानी का बड़ा अकाल हो जाएगा, दुनिया में पानी मिलेगा नहीं। प्रभुपाद जी मुस्कुरा के कहे कि धरती के ऊपर 3 हिस्सा समुद्र है, केवल 1/4 ऐसा धरती है। भगवान ने इसमें नमक डाल के, प्रिजर्वेटिव डाल के पानी रख दिया है, कभी कम नहीं होगा। ये सूरज उगता रहेगा, इस खारे पानी को बादल बना के मीठा बना के बरसाता रहेगा, कब नदियां बहती रहेंगी, पानी कम नहीं होगा। पानी इसलिए कम है कि आपने अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए समय पे बरसात नहीं आती है। या आती बरसात आती है, या अकाल होता है या बाढ़ आती है, ये आपके कर्मों का फल है। भगवान की तरफ से किसी चीज में कमी नहीं। कभी प्रभुपाद जी कहते थे हमने पूरी दुनिया में 14 बार घूम के देखा है, इतनी जमीन खाली पड़ी है कि जितनी आज संख्या है, जनसंख्या है विश्व की, इससे 10 गुना के लिए भी अनाज उत्पादन हो सकता है। सब जमीनें खाली पड़ी है। बहुत 500 किलोमीटर हमने देखा रशिया में जमीनें खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं, खाली पड़ी है, बंजर, कोई काम करने वाला नहीं। तो कमी किसी चीज की नहीं है, कमी है सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे Only scarcity is of God consciousness. लोग भगवत भक्तिहीन है, बस एक यही कमी है। और ये आपको उदाहरण भी दे दें, हस्तनापुर के राज में जिसका युवराज दुर्योधन तक कौन सी कमी थी बताओ। भीष्म जैसा सेनापति था, द्रोणाचार्य जैसा गुरु था, कृपा जैसे आचार्य जैसा गुरु था, और स्वयं दुर्योधन के कंधे के ऊपर लक्ष्मी का वास था, कभी किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता था। एक चीज का अभाव था, कृष्ण से द्वेष करता था, कृष्ण का द्वेषी था, एक ही अभाव था और सब नाश हो गया। रावण के पास क्या कमी थी, सोने की लंका थी, देवता भी प्रणाम करने आते थे, एक राम से द्वेष था और सीता को भोगना चाह रहा था, सब कुछ नाश हो गया, सोने की लंका मलिया मेट हो गई और वानरों ने कर दी। भगवान ने यह दिखाया कि ये जिसको तुम समझते हैं कि किसी काम के नहीं है, ये तुम जैसे बड़ों का धज्जियां उड़ाने वाले हैं। कृष्ण कुछ भी, कभी भी राम कुछ भी करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवत भक्ति हीनस्य, बिना भगवत भक्ति के संसार कि कभी शोभायमान नहीं हो सकता है, कभी शांत नहीं हो सकता है, कभी सुखी नहीं हो सकता है, कभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, केवल अहंकार बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाइयां बढ़ेंगी, भूख बीमारी बढ़ेगी, कुछ कमी नहीं होगी। आप श्री प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, इसी प्रकार से कितना भी कोई सभ्य समाज हो, कितना भी बड़े मान सम्मान वाले लोग हों, उच्च कुल के लोग हों, परंतु अगर कृष्ण भावना नहीं है तो मुर्दे के सजावट के समान है, कोई उसका लाभ नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति है और स्वयं मनु की पुत्री है, देवहूति की बहन है जिसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था, और इसलिए प्रसूति भगवान की मौसी लगती है, इसलिए भगवान से उसी वात्सल्य भाव से अपना स्नेह, भगवान मेरा, मेरी बहन का बेटा है, ऐसे भाव से भगवान विष्णु के प्रति प्रार्थना कर रही और उससे कृपा, उससे आशीर्वाद और उससे कुछ फेवर चाह रही। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है भगवान को लक्ष्मी के साथ पूजा कर रही, नारायण की लक्ष्मी के साथ, विष्णु और लक्ष्मी दोनों की पूजा की जा रही। जहां नारायण की पूजा होती है वहां अपने आप लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। यहां भगवान को अमृत कहा गया है,
अमृत का मतलब जो कभी मरता नहीं, नित्य रहता है, शाश्वत रहता है, दिव्य है। ये देवता जितने भी है, ब्रह्मा आदि, इन सब की तो सृष्टि बाद में हुई है शंकर आदि की, इसलिए भगवान को अमृत कहा जाता है। भगवान की पूजा किसके साथ है? अंतरंग शक्ति लक्ष्मी के साथ हो रही है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं ये एक लाइन में, भगवान की पूजा भगवान की शक्ति के साथ होती है, नारायण की लक्ष्मी के साथ होती है, रामचंद्र की सीता के साथ होती है, कृष्ण की राधा के साथ होती है। बिना शक्ति के, अंतरंग शक्ति के भगवान की पूजा नहीं होती है। ये कह के प्रभुपाद जी प्रसूति के भाव को अपने भावार्थ में प्रकट कर रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, वो ऐसे करते हैं। इसलिए प्रसूति दक्ष की पत्नी भगवान को प्रार्थना कर रही है कि ये जो सारे पुरोहित आदि है ना, इनको कहो कि ये वैष्णव बन जाए, केवल कर्म कांड के स्वभाव वाले यज्ञ न करें, ये भक्त बन जाए। ये पूरे यज्ञ मंडप के लोगों के लिए, इसको कहते हैं वैष्णव का हृदय सबके कल्याण के लिए होता है। तो इसके बाद कल हम लोकपालों की, मैं समझता हूं कल ये पूरा होना चाहिए प्रसंग, आगे जो भगवान की इच्छा। वाणी को यहां विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त की जय। हाँ जी बोलिए जी। सिद्धलोक वाले जो हैं जी, ये सिद्धलोक तक ही हैं या वैकुंठ में जाएंगे? ये आए तो सिद्ध वाले, वैकुंठ वाले नहीं है। ये सिद्धलोक तो हमारे ऊपर है, ये सिद्ध चारण ये सब जहां रहते हैं। वैकुंठ का यहाँ वर्णन नहीं है। वैकुंठ धरती के ऊपर एक वो ध्रुवलोक के साथ जुड़ा हुआ है, उधर ही है, वो कहते हैं भौम वैकुंठ या श्वेत द्वीप कहते हैं, वो तो वहां है। ये सिद्ध लोक के हैं, कौन है नाम नहीं है। सिद्ध है, सिद्धू ने प्रार्थना की है। लेकिन इन सिद्धों की प्रार्थना के साथ कपिल जी को नीचे जोड़ के प्रभुपाद ने सिद्ध और कपिल दोनों को ऐसे दो, उसको कपिल को ही सिद्धों के साथ समझा है। सिद्धा नाम कपिल अश्मी भगवान कहते हैं, सिद्धों में मेरी विभूति कपिल देव है। सिद्ध लोक ऊपर है, जैसे पितृलोक है, ये सब लोक स्वर्ग और हमारे बीच वाले लोगों बीच में है कहीं। भूलोक में भूलोक में ऐसे, ये सब भोग के अंतर्गत आते हैं मेरे विचार में, अगर मेरे को समझ में आता है तो। भूर भो और स्व, और स्व के बाद तो तप जन लोक, वहां तो दूसरे हैं। परंतु हैं भक्त सिद्ध लोक वाले, भक्त हैं, इसको भक्त करके, शुद्ध भक्त करके, प्रेमी भक्त करके वर्णन किया है, वो उनकी प्रार्थना से ऐसे ध्वनित हो रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है।